समाजवादी पार्टी के महासचिव, कद्दावर नेता और बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव जी हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, संभल जनपद की जो गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र है उसमें भ्रमण कर रहे हैं। सर, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? आप तो पुराने यहाँ के हैं। जन समर्थन और ये सीट खासकर हमारे परिवार के रही नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े, कई बार लड़े और जीते। उसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यहाँ से चुनाव लड़े, जीते। उसके बाद धर्मेंद्र चुनाव लड़े, दो बार यहाँ से एमपी हुए। अब इस समय हम प्रचार कर रहे हैं यहाँ। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछली बार हार गई थी, यहाँ पर भाजपा जीत गई थी, तो इस बार आप आए हैं मैदान में, क्या उम्मीद है, कितनी बड़ी जीत हासिल करेंगे? देखिए, यहाँ बड़ी जीत होगी, आप देख ही रहे, 10-11 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं। इसी तरीके से जनता आपके सामने है और यही जनता वोट करेगी और बेईमानी हम नहीं होने देंगे। एक चर्चा ये भी चल रही है क्षेत्र में कि आप चाहते हैं कि आपके बेटे यहाँ से लड़ें, ऐसा कुछ है कि या आप ही लड़ेंगे चुनाव? देखिए, अखिलेश यादव जब चुनाव पहला लड़े थे तब 26 साल के थे और प्रदेश में सबसे युवा, देश में सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, तो हम चाहते हैं कि युवा आगे आए। और युवा शक्ति बहुत तो मजबूत होती है। बेटे को यहाँ मैदान देंगे अगर यहाँ की जनता कहेगी तो लड़े। अच्छा, संभल, संभल की जो सीट है लड़े। और हमारे पास तो फिर 2027 की तैयारी में लग जाएंगे। और ये पक्का है, हम इस चुनाव के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और 27 में भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। मुरादाबाद मंडल में पिछली बार 6 की 6 लोकसभा सीट जो है सपा बसपा गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार अभी प्रत्याशियों पर पेच फंसा हुआ है। संभल में, रामपुर में, मुरादाबाद में अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। देखिए, प्रत्याशी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और अभी तो बीजेपी नहीं कर पाई, सहारनपुर में नहीं कर पाई, यहाँ नहीं कर पाई। तो रामपुर में क्या मन बनाया, क्योंकि आज़म खान, उनके बेटे, पत्नी सब जेल में हैं, तो क्या चंद्रशेखर जैसे टिकट मांग रहे थे तो नगीने पे नहीं हो पाया उनका काम? तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा। हाँ, और आज़म खान साहब की राय से वहाँ का प्रत्याशी होगा। मुरादाबाद में जैसे सिटिंग एमपी हैं, एसटीएसएन, तो क्या उनका टिकट कट सकता है? नहीं, देखिए, कटने का वो तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ के संगठन से बात करके तय कर देगा। बदायूं की घटना पर राजनीति शुरू हो गई है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुखित, निंदनीय घटना है। अब यहाँ का प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे, पर्दाफाश करे। आपने कहा जो इनकाउंटर हो गया तो खुलासा नहीं हो पाया, पहले खुलासा होना चाहिए था, इनकाउंटर बाद में होना, पहले तो खुलासा ही होना चाहिए था, खुलासा होना चाहिए था। अब जब इनकाउंटर हो गया तो अब खुलासा क्या? क्या लगता है, पुलिस ने मतलब पर्दा डालने के लिए किया? चलिए, वो तो अच्छा काम किया है, पुलिस अच्छा काम किया है, प्रशासन ने अच्छा काम किया है, तुरंत पकड़ लिया, लेकिन एक अभी भी नहीं पकड़ पाई, उसे पर्दाफाश करना चाहिए बस। इलेक्ट्रॉनिक क्यों घटना हुई, बॉन्ड के क्यों घटना हुई? वैसे तो देखिए, लाइन ऑर्डर नाम की चीज है नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि सब कुछ चंगा है, कोई न दंगा है। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, रोजी देख रहे घटनाएं, थानों का क्या हाल, तहसीलों का क्या हाल, सरकारी कार्यालयों का क्या हाल, बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं, महंगाई इतनी, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर। आज तो नोएडा में भाजपा के प्रवक्ता को ही पीट दिया वकीलों ने, भाटिया को। चलिए, अब वो तो वकील और वो हमें पता नहीं, जानकारी नहीं उस बात की। अच्छा सर, चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो चंदा लिया गया उस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा को 6,000 करोड़ मिला और कई ऐसी कंपनी हैं। अब तो उसका देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा फाश किया है। अब सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी न्याय संस्था है, तो क्या ये एक चुनावी मुद्दा होगा इस बार का? देखिए, हम तो कह रहे, सबसे भ्रष्ट सरकार अभी तक की भारतीय जनता पार्टी है, सबसे झूठ बोलने वाली भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव जी कहाँ से लड़ेंगे? जहाँ से उनका मन करेगा। अच्छा सर, जो उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 लोकसभा सीटें हैं, इसमें जो कांग्रेस का और सपा का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है आपको, कितनी सीटें जीतेगा गठबंधन? देखिए, हम दोनों मिलकर के, हमारा जो गठबंधन है
80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है। अब रिजल्ट सामने आ जाएगा, जीतेंगे कितने? इतना हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार देश से हटेगी और उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन इतने सीट से जीताएगा सो भारतीय जनता पार्टी अपने आप हटेगी। वरुण गांधी को भी कोई ऑफर दे दिया है क्या टिकट का? अरे ये सामने आ जाएगा, रणनीति का हिस्सा सब थोड़े मुद्दे इस बार आपके लोकसभा चुनाव में क्या रहेंगे? रणनीति भी कोई होती है? रणनीति है, रणनीति आपको नहीं बताई जा सकती। सर बदायूं के मुद्दे क्या रहेंगे? क्या विकास? विकास देखिए शिवपाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार और जो जीत है वो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा को हराने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन करने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।